आगे जा रही है? मुश्किल है सर, आगे उधर गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा जाएगा रोड आगे? नहीं नहीं जाएगा। तो जाएगा तो हम किस लिए बैठा हुआ? मैं हम भी रोड बैठा था। आप रोकने के लिए बैठे हैं? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं आज फिर से हमारे जो मनाली रोहतांग रोड है उसका। और अभी भी मुझे बीच नदी में बहुत सारी लकड़ियां दिख रही हैं। अब आजकल लोगों की होड़ मची है दोस्तों लकड़ी इकट्ठा करने में। यहां पर देखिए मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, वो देखिए ये पेड़ था पूरा का पूरा आया हुआ यहां पे कहीं से बह के और इसको काट कर ले जाया गया है और लोगों ने अपने गोदाम भर लिए हैं, 4-5 सालों का कोटा कर लिया है लकड़ियों का। तो वैसे तो ये रिस्की काम होता है थोड़ा ना, लेकिन फिर भी लोग कर लेते हैं। और ऐसी ऐसी तो कई जगह पर कई स्पॉट हैं ऐसे ऐसे जहाँ पर दुनिया भर की लकड़ियाँ आई हुई हैं। तो चलिए छोड़िए ये बात तो हो गई। दूसरी ये दूसरी है वहाँ पर मनालसू नदी जिसका पानी कितना साफ है और उन दिनों किस तरह का रूप धारण कर लिया था इस नाले ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपना माउंट कर लेता हूँ अपना गोप्रो अपने हेलमेट में और रोड रोड होके चलते हैं और देखते हैं रोड का क्या हाल है। चलिए दोस्तों चलते हैं। अभी मैं हूँ वशिष्ठ चौक के पास और यहीं से अपना सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। वाओ हंसको, वैसे मैं देख पा रहा हूँ गाड़ियाँ तो चली हुई है। बहुत ही आराम से चलेंगे, बहुत ही मज़े से चलेंगे, आराम से चलेंगे और आपको पूरा दिखाते जाएंगे कि कहाँ क्या हो गया और क्या हो रहा है। अभी कंचनीकूट पहुँचा हूँ मैं वशिष्ठ के ठीक नीचे, जो कि पहला स्पॉट मैंने आपको दिखाया था पेट्रोल पंप के साथ। तो वहाँ पर रोड की हालत देखिए कुछ इस तरह की है और ये देखिए कुछ इस तरह का रोड है यहाँ पर। यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर लास्ट में हुआ क्योंकि यहाँ पर वन वे ठीक है चला हुआ है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे। और वो वाली बाइक देखिए ये खड़ी है यहाँ पे, जिसको मैंने बताया था कि 3-4 दिनों से खड़ी थी यहाँ पर लावारिस। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर भी बिल्कुल ही ख़त्म थी रोड, ख़त्म था यहाँ पे भी। यहाँ डंगे लगा दिए गए हैं रोड की एक तरफ, अभी वन वे चालू कर दिया गया है ये। और वो देखिए वहाँ पर भी लकड़ियाँ बहुत सारी आई। आगे जा रही है? मुश्किल है सर, आगे उधर गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा फिर वापिस जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं जहाँ तक जाते हैं वरना वापिस आ जाएंगे, फिर जाएंगे उल्ट मनाली होकर, क्योंकि मुझे जाना है आज बुरुआ नगरी पूरा गांव में, वहाँ भी एक फंक्शन है कार्य है। और ये तीसरा पॉइंट था और ये तो अभी भी खतरनाक है क्योंकि नदी यहाँ पर बह रही है इसके साथ ही। और उसके बाद है जी ये चौथा पॉइंट, यहाँ पर भी वन वे चालू है लेकिन आगे पता नहीं है। ये है आपका लास्ट पॉइंट और मुझे नहीं लगता कि इससे आगे वो रोड जाएगा। ये देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, लास्ट में सेकंड लास्ट बोल सकता हूँ मैं। और वहाँ पर आगे पूरा का पूरा रोड चला गया था, बह गया था। तो हम वहाँ देखेंगे और वापस आ जाएंगे। और लकड़ियाँ देखिए कितनी है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं।
जाएगा रोड आगे? नहीं नहीं जाएगा तो जाएगा तो हम किस लिए उधर बैठा हुआ? मैं हम भी रूम में बैठा था। आप रोकने के लिए बैठे हैं? अच्छा ठीक है, बस यही देखने आया था मैं रोड के हाल। यहाँ देख लूँ थोड़ा सा आगे? गाड़ी साइड में लगा के? हाँ यहीं लगाता मैं। नहीं यहीं से देखना, मुझे वापिस जाना है, वापिस जाना है, वापिस वापिस जाना है मुझे। हाँ बस यहीं से देख लूँगा ये। दोस्तों रात को यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है और कुछ काम शुरू कर दिया है, इसीलिए ये रोड जो है बंद हो गया है, दोबारा से बंद कर दिया गया है। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा ओल्ड मनाली होकर। ये देखिए वहाँ पर काम चला हुआ है और यहाँ से पूरी की पूरी सड़क बह गई थी, ये दोबारा से मिट्टी डाली गई है यहाँ पर, जिससे थोड़ी देर के लिए थ्रू कर दिया गया था रोड और अब बंद है बिल्कुल। और वैसे तो पहाड़ बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोस्तों, हद से ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन अगर ऐसी ट्रेजेडी ना हो तब तो क्या कहने। और ये देखिए डंगा लगाने का काम शुरू है नीचे से, और इसको नीचे से डंगा लगा दिया जाएगा और ओके हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब ऐसा करते हैं वापस चलते हैं और घूम के चलते हैं। अब ये हमारा जोगनी फॉल है दोस्तों, और ये अभी भी नॉर्मल इसमें वाटर फ्लो नहीं हुआ है, ये भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है थोड़ा। बाकी आज जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। बादल नीचे आ गए काफ़ी। चावल थोड़े से दूर हो गए हैं आज रसोई से, ये कढ़ाई ऐसी लग रही है बेचारी अकेली है, बाकी ये बाकी की रसोई। और आज हमारे पास है जी खीर भी मीठे में, तो खीर का आनंद लिया जाएगा आज शाम को। और बाकी स्नैक्स बन रहे हैं पीछे, स्नैक्स में बहुत कुछ है आज, चिल्ली वगैरह है, मटन चिकन सब कुछ है। और भाई साहब देखिए हमारे अभी रेस्ट करने बैठे हैं और यही है यहाँ पर बना रहे हैं, और नागपाल भाई भी हमारे। और आगे चला है जी ब्रेकफास्ट, और गांव की कुछ एक औरतें इकट्ठा हुई है काम करने के लिए। बाकी हमारे पहाड़ जो मैं सुबह से आज देखता जा रहा हूँ, क्या बढ़िया है, वाह भृगु की धार है दोस्तों ये, इसके पीछे है भृगु लेक। रसोई तो एकदम से रेडी है मेरी, अब बस इंतज़ार है तो खाने वालों का। ये लीजिए पहली जखावन हो गई है, और यहाँ पर नियम है सबसे पहले गूर पुजारी जो होते हैं देवता के वो खाते हैं खाना, तो उनको डन हो गया है। बाकी अब इसके बाद सारे बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकते हैं।
तो अभी मैं पहुंचा हूं जी नहरकुंड पुराने वाले ब्रिज में। अब इसको पुराना ही कहा जाएगा क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है शायद मेंटेनेंस वगैरह के लिए। और जो यहां पर नया पुल है दोस्तों इसको खोल दिया गया है और ये डबल वे डबल लेन पुल है, दो गाड़ियां एक साथ जा सकती है इससे, और ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। तो बाकी अब चलेंगे इससे और देखेंगे। वैसे पुराना वाला पुल भी काफ़ी बढ़िया था। अब देखिए बच्चे खेल रहे हैं इस पर बिना किसी डर से, कोई गाड़ी नहीं कोई कुछ नहीं। और इसमें अब जंग भी लग गई है देखिए बीचों बीच। बाकी चलिए ये रहा हमारा बाइक और निकलते हैं नए पुल की सवारी करते हैं, सैर करते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं, अभी नहरकुंड क्रॉस किया हम लोगों ने और यहाँ तो फिलहाल नामो निशान नहीं है, कोई नदी का कोई भी निशान नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ था। और ये वाला एरिया बच भी गया था काफ़ी इस बार। बाकी असली जो तबाही हुई थी वो यहाँ से नीचे हुई थी। यहाँ पर देखिए दुकानें थी, अब कुछ भी नहीं है खाली। यहाँ पर बुरी तरह से तबाही हुई है। और बाहंग से गोशाल जाने वाला पुल था वो भी बह गया है। वो तो खैर बहता ही रहता है, एक साल में दो बार तो वो चला ही जाता है। बाकी यहाँ पर देखिए बड़े बड़े होटल थे जो कि चले गए हैं, खाली हो गया आगे। और ये नई बिल्डिंग देख रहे होंगे आप, इसका भी आधा जो हिस्सा है चला गया है, बह गया है। बाकी इससे आगे तो यहाँ से तो ब्यास नदी पूरी की पूरी अंदर आ गई थी रोड में और ये सस्से इसके अंदर चली गई थी। यहाँ से आपको दिखाते हैं रोडों का क्या हाल है। ये देखिए यहाँ से आई थी, यहाँ से पूरी नदी अंदर घुसी थी। और ये सस्ते एरिया और ये नेशनल हाईवे, अरे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है सड़कों की हालत देखिए। और ये देखिए यहाँ पर सड़क चली गई है काफ़ी। और इस रोड में उस दिन पूरी की पूरी नदी चल रही थी इस रोड पे। शुक्र है पेट्रोल पंप रह गया हमारा, इसको कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल पंप बहने के और भी ज़्यादा नुकसान होते हैं दोस्तों, क्या बताएं। आजकल पूरी मनाली में पेट्रोल नहीं मिल रहा सप्लाई की वजह से। और नदी के साथ साथ सड़क के साथ साथ देखिए आप जो भी ये मलबा है ये उसी समय आया हुआ है। और यहाँ से तो उस दिन हम आए थे देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल रेत ही रेत भरा हुआ था, टोटली रेत और पत्थर। और कुछ एक गाड़ियाँ थी बही हुई जो बह के यहाँ पर पहुँची हुई थी। और ऊपर है ये देखिए हमारा गांव, विशिष्ट गांव। जहाँ से मैं सुबह वापस लौटा था वहाँ पर पहुँचने वाले हम उस पॉइंट पर। अब देखते हैं वहाँ पर किस तरह से रोड थ्रू किया हुआ है। यहाँ थ्रू तो हो गया है, अब देखते हैं कैसा है आगे। यहाँ से तो वही है रोड है अभी थोड़ा बहुत। और यहाँ देखिए हमारे ग्रिप के कार्यकर्ता
और लेबर जिनकी बहादुरी की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और ये देखिए यहाँ से रोड भर दिया गया है और छोटा सा पोर्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आगे रोड खुला है और कुछ एक लोग पैदल भी चल रहे हैं। ये लीजिए यहाँ तक हम सुबह आए थे और यहाँ से हम वापस गए थे। और सिर्फ इतने छोटे से इस हिस्से का मुझे लगता है 6 किलोमीटर में वापस घूम के गया हूँ, इतना फर्क पड़ जाता है। बाकी जो ये वाले रोड हैं बचे हुए जिन पे सिंगल आप ट्रैफिक चला सकते हैं, ये लास्ट में रिपेयर होंगे जब ज़्यादा नुकसान वाले रोड ठीक हो जाएंगे, थ्रू कर दिया जाएगा उनको, उसके बाद इन रोडों की बारी आएगी। और जो ये वाला हाईवे है ज़्यादातर ऐसे पॉइंट है इसमें जहाँ की आप एक लेन में चल सकते हैं, दूसरी लेन डैमेज है, वैसा है दोस्तों, इसलिए बचे हैं क्योंकि इनमें पुराने डंगे लगे थे जब यहाँ पर सिंगल रोड हुआ करता था, तो उन डंगों ने इन रोडों की जो ये आधी हालत बचाई है। बाकी जो नए डंगे थे दोस्तों वो तो गए। और ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा चला गया था, ये तो मैंने सुबह भी दिखाया था आपको। अभी तक आपने देखा दोस्तों नदी का किनारा, लेकिन अब देख लीजिए हमारे पहाड़ों की ऊंचाइयां और लुक देखिए इनकी, क्या फर्स्ट क्लास आई है। क्या बात है, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, फ्रेश सा और हरा हरा और नीला नीला, बहुत ही बढ़िया सा कलरफुल।